हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हमें चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सिक्स जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्रेंड्स, कि हम टोटल जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो शॉर्टहैंड है इंग्लिश वर्ड्स में, जो भी हम साउंड सुनते हैं उसको शॉर्टहैंड में 24 कॉन्सोनेंट, 12 वोवल्स और 4 डिप्थोंग्स में बांटा गया है। 24 कॉन्सोनेंट्स में से सबसे पहले हमने 6 कॉन्सोनेंट पढ़े, फिर 8 पढ़े, फिर 8 पढ़े। टोटल कितने हो गए? 16, 22 हो गए। अब 22 हो गए। अब जो दो कॉन्सोनेंट बचे हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट टू कॉन्सोनेंट है 24 में से, नेक्स्ट और लास्ट जो है उनके बारे में पढ़ना है। टू फॉर्म्स ऑफ आर या फॉर आर, तो ये हमें नेक्स्ट टू पढ़ने हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था पी बी टी डी चे जे, फिर एफ वी इथ दी, पढ़े थे पूरे 22 कॉन्सोनेंट्स। वैसे ही टू कॉन्सोनेंट्स लास्ट जो ये हैं आर है, तो आर को दो तरीके से लिखा जाता है। आर जो कॉन्सोनेंट है उसको एक अपवर्ड लिखा जाता है ऑन द लाइन, और एक डाउनवर्ड। ये दोनों आर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक अपवर्ड, इसको चे से रिप्रेजेंट, वो चे के साथ कन्फ्यूज मत होना जो हमने चा पढ़ा था, क्योंकि चा जो होता है, जो हमने चा कॉन्सोनेंट पढ़ा था पी बी टी डी चा जा, तो चा जो होता वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है और बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो जाता है डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना। आर एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। कब अपवर्ड यूज़ करेंगे, कब डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, वो हमें पढ़ना है। तो ये रे, इसको रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रे नेम इसका, और ये आर है। तो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था जैसे पी बी टी डी च ज, ये 6 कॉन्सोनेंट पढ़े थे, फिर 8 पढ़े थे, फिर 8 पढ़े थे। अब नेक्स्ट टू जो हैं ये हैं, पहला आर हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है 6 टाइम्स, बोल बोल के 6 टाइम लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। व्हेन आर बिगिंस अ वर्ड यूज, तो कब अपवर्ड आर यूज़ करेंगे अपवर्ड, और कब डाउनवर्ड करेंगे। अपवर्ड के लिए यू कर रहा हूँ, डाउनवर्ड के लिए डी कर रहा हूँ। तो अपवर्ड आर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा व्हेन आर बिगिंस अ वर्ड यूज आर एज इन, ऐसे करेंगे। जब आर से ही कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा तो अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। जैसे रेड, शॉर्ट ई का साउंड है, जो हमने पी बी जो सेकंड प्लेस वॉल पढ़े थे ए ई ओ आ ओ यू, ये हमने सेकंड प्लेस वॉल में पढ़े थे ए ई ओ यू, तो शॉर्ट ई का साउंड है रेड, एड। तो रेड में क्या होगा, सेकंड प्लेस होगा, आर लिखेंगे अपवर्ड। अगर आर से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। रेड, रॉ, ओ पढ़ा है हमने फर्स्ट प्लेस वॉल रॉ, रोड। अगर सीधा इससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, तो अपवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे ये हो गया रग, हो गया रग, आ का साउंड हो गया रश, हो गया सेकंड प्लेस वॉवल है इसलिए। अब रिंग हो गया, शॉर्ट आई का साउंड है तो रिंग, आर और इंग, रीच, लॉन्ग ई का साउंड रीच, तो लॉन्ग ई का साउंड है, थर्ड प्लेस वॉवल है, थ्रू द लाइन आउटलाइन बनी है, और वॉवल जो होगा वो डार्क होगा। रेडी, पहला वॉवल जो होगा शॉर्ट ई का साउंड है, और फिर वाई के लिए बता रखा है कि शॉर्ट एक लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड में रेडी, तो ये रेडी बन गया। तो ऐसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, सबकी जितने भी वर्ड हैं सारों को बोल बोल के 6 टाइम्स लिखना है, एक लाइन में जितने आ रहे हैं फिर उसको 6 टाइम्स रिपीट करना है। रिटेल, आर टी एल, रिटेल। तो अगर कोई वर्ड आर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपवर्ड आर यूज़ करेंगे, और डाउनवर्ड कब करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद द कॉम्बिनेशन वोवल आर, कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल आर यूज, तब उस केस में डाउनवर्ड करेंगे। मतलब उससे पहले आर जो हो रहा है कॉम्बिनेशन,
वॉवल के साथ, वॉवल के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ हो रहा है, मतलब पहले जैसे वॉवल आ जा रहा है, तो उस केस में डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। डाउनवर्ड आर कब यूज़ करेंगे? वो इस केस में करेंगे, जैसे एयर, उससे पहले लॉन्ग ए का साउंड आ गया, मतलब वॉवल आ गया ना, सेकेंड प्लेस वॉवल आ गया तो एयर हो गया, आर्म लिखना है हमें, आर्म, फर्स्ट प्लेस वॉवल आ गया, और इसमें वॉवल नहीं आ रहा था डायरेक्ट, पहले कॉन्सनेंट साउंड आ रहा था, आर आ रहा था, मतलब कॉन्सनेंट आर, कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में अपवर्ड करेंगे, अदरवाइज डाउनवर्ड करेंगे। और ये अभी स्टार्टिंग में सीखते समय हमें कन्फ्यूज़न होती है, उसके बाद बाद में जब हम आगे स्पीड में आ जाएंगे या फिर आगे पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, तो इतना इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद पता लग जाता है। आर, फिर आ गया ईयर, ईयर लॉन्ग ई का साउंड है, ईयर, क्योंकि अगर वोवल साउंड पहले आ रहा है तो डाउनवर्ड करेंगे। अर्ली, अर्ली, ठीक है, आर्मी, 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 तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं। अपवर्ड जैसा अभी बताया, अपवर्ड कब करेंगे? जब आर से ही स्टार्ट हो रहा वर्ड और उससे पहले वोवल आ रहा है तो डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो करते हैं, जैसे अपवर्ड आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म को, आर, आर के लिए रिप्रेजेंट करता है, जैसे वी आर, ठीक है, वी आर हो गया, ठीक है। और ऑन द लाइन है तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, थ्रू द लाइन है तो आवर को करेगा, आवर या घंटे वाला आवर इसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आर ये हो गया आवर एंड आवर, आर आवर एंड आवर, आर लेंथ मेंटेन रखनी है क्योंकि डबलिंग का अलग मीनिंग होती है बाद में, जैसा मैंने पहले बताया था, आर थ्रू द लाइन आवर एंड आवर। फिर अपवर्ड इसी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में एक छोटा जो टिक होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंड को करेगा, एंड, एंड कैसे लिखेंगे हम? ऐसे, एंड, ठीक है। और यही अगर इसी एंड वाली का सेम डायरेक्शन में इसको ऑन द लाइन कर देंगे, अबव द लाइन एंड होगा, ऑन द लाइन शुड के लिए यूज़ होगा, एस एच ओ यू एल डी, शुड के लिए होगा, अबव द लाइन एंड, ऑन द लाइन शुड, अबव द लाइन एंड, ऑन द लाइन शुड, अबव द लाइन एंड शुड, एंड शुड, अपवर्ड डायरेक्शन एंड शुड, जो आर की एंड शुड, ऐसे हो जाएगा। और चे और उससे हमें डिफ्रेंशिएट, मैंने जैसे बताया था, चे जो होता है अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, और रे जो आर जो बन रहा है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है, और दोनों की आउटलाइन बिल्कुल डिफरेंट है, वो बाद में समझ आ जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 13 है, इसकी हमें 10 टाइम्स रीडिंग करनी है, और एक एक हर सेंटेंस, जितने भी इसमें सेंटेंस हैं, 8 सेंटेंस हैं, तो आठों को 6 टाइम्स हमें रिपीटिशन करना, लिखना है हर सेंटेंस को 6-6 बार लिखना है हमें बोल बोल के। तो जैसे ये क्या लिख रखा है, टू आवर रिलीफ दे केम, केम हो गया लॉन्ग ए का साउंड हो गया, अर्ली, टू आवर रिलीफ दे केम अर्ली, ये फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस क्या बोलता है, टू आवर रिलीफ दे केम अर्ली, और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा है जैसे वी, वी में एक और जोड़ दिया, वी यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया वी आर Living, living, sorry, leaving, we are leaving, long e का साउंड है, थर्ड प्लेस वॉवल है, leaving, क्योंकि थ्रू द लाइन आउटलाइन बनी है, तो लॉन्ग ई के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से, वी आर लीविंग टूडे कॉमा एंड वी शुड रीच, लॉन्ग ई का साउंड, रीच विनीपेग, ये विनीपेग, वी शुड रीच विनीपेग इन डे और, इन डे और टू, ये तो टू के लिए रिप्रेजेंट होता है, टी डब्ल्यू ओ वाले के लिए, इन डे और टू, आर है डाउनवर्ड और टू, तो सही है, ये हो गया। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है पूरे इसकी, और फिर आगे का जो है, कब आर डाउन, व्हेन आर एंड्स अ वर्ड यूज़, कब कब डाउन वर्ड यूज़ होगा, ये इसमें बता रखा है, और कब कब अपवर्ड होगा, कुछ और एग्जांपल्स दिए गए, ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।